अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारे गैलेक्सी में पाए जाने वाले महाविशाल ब्लैक होल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यह तो पता ही होगा कि हमारी गैलेक्सी में अनेक ऐसी चीज छुपी हुई है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ब्लैक होल एक ऐसे रहस्यमय होल है जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत सी जानकारियां जुटाई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से दूर स्थित ब्लैक होल की खोज की है। धरती से 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है यह ब्लैक होल। एरिजोना यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने यहाँ बताया है कि यह ब्लैक होल बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। इन्होंने यह बताया कि यह ब्लैक होल काफी पुराना भी है। बताया जा रहा है कि यह ब्लैक होल तब बना था जब ब्रह्मांड सिर्फ 67 करोड़ वर्ष पुराना था। जानिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। ब्लैक होल समय ने सभी के हिसाब से बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशन फोर्स की खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती। अगर उसकी सीमा में आ जाए तो उससे भी मजे की बात यह है कि कोई भी चीज उसमें गिर तो सकती है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकती। उससे भी मजेदार बात यह है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग और एंडिंग दोनों देख पाओगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका पूरा शरीर जल के राख भी हो सकता है या फिर टुकड़ों में भी बदल सकता है। ब्लैक होल क्या है? अगर मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ पर भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। ये धरती से करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ब्लैक होल का निर्माण एक ऐसे विशालकाय तारों द्वारा निर्माण होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी चरण में होता है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा द्रव्यमान वाला ब्लैक होल ओजे 287 में स्थित है जिसका वजन 18 अरब सौर द्रव्यमान है। दोस्तों आपको ये साइंस का अमेजिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके घंटी को टच करने के बाद ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों आपका मन में अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।